दोस्तों आप देखने वाले हैं कि देव अपने हनीमून ट्रिप की पैकिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा खाने का सामान लाकर विधि उसे बैग में पटक देगी, क्योंकि वो बाहर के खाने में बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती। इसके साथ ही साथ वो अपने कपड़ों को भी लाकर बैग में ऐसे ही रख देगी, जो कि देव से बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। और यहाँ पर देव विधि के कपड़ों को और अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छे से सेट कर देगा और इनके हनीमून की पैकिंग कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर सत्यवती आएंगी और वो विधि को एक गिफ्ट देंगी, जिसे वो यहाँ पर खोलने से साफ साफ इनकार कर देंगी। और वो विधि को ऑफर देंगी कि जिस तरीके से देव उसका फ्रेंड है, उसी तरीके से विधि भी उसकी फ्रेंड बन सकती है। विधि अपने पेरेंट्स को हनीमून ट्रिप पर जाने की बात नहीं बता पाएगी, लेकिन यहाँ पर गोवा अकेले जाने की बात सुनकर विमला सब कुछ समझ जाएंगी और विधि को वहाँ पर जाकर खूब सारा एंजॉय करने के लिए ब्लेसिंग्स देंगी। दोनों जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन यहाँ पर मौसी जी देव को ताने देंगे कि वो तो अभी से ही जोरू का गुलाम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मौसी जी की बात को बड़े ही मजाकिया अंदाज में टाल देंगे, जिसकी वजह से माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा। ऑफिस में अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि ना तो घर में कुछ भी ठीक चल रहा है और ना ही ऑफिस में। तभी दिव्या अभिमन्यु को अकाउंट्स की गड़बड़ियां दिखाएगी, लेकिन अभिमन्यु का ध्यान बिल्कुल भी इन सब चीजों पर नहीं होगा और वो दिव्या को वहाँ से जाने के लिए कहेगा। लेकिन दिव्या उसे समझाएगी कि उसका काम है अभिमन्यु के काम को आसान करना और इसके साथ ही साथ वो उसकी फैमिली मेंबर भी है, तो इसलिए वो सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर अभिमन्यु को दिव्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो दिव्या के साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव कर देगा। वो दिव्या से कहेगा कि वो बॉस है और दिव्या उसे नहीं समझा सकती कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यहाँ पर फैमिली ड्रामा नहीं चलेगा। इसके साथ ही साथ दिव्या कोई रायचंद नहीं है जिसके ऑर्डर अभिमन्यु मानेगा। देव और विधि अपने होटल पहुंचेंगे तो वहाँ पर होटल को देखकर विधि डर जाएगी कि वो तो यहाँ पर खो ही जाएगी, होटल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। विधि अपने सामान को लेकर जाने लगेगी तो देव उसे रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर होटल मैनेजमेंट आकर उसके सामान ले जाएगा। देव और विधि अपने रूम में पहुंचेंगे तो यहाँ पर रूम बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होगा और काफी ज्यादा बड़ा होगा, जिसे देखकर विधि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाएगी। दोनों बीच में घूमने जाने का प्लान बनाएंगे और यहाँ पर देव विधि को अपने शॉर्ट्स देगा और इन शॉर्ट्स पहनने के बदले विधि देव से प्रॉमिस लेगी कि शाम को जो कपल इवेंट्स होगा उसमें दोनों ही जाएंगे। बीच पर देव और विधि बहुत ही ज्यादा मस्ती करेंगे और दोनों नारियल पानी भी शेयर करेंगे और यहाँ पर दोनों को रियलाइज होगा कि ये उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा रोमांटिक मोमेंट है। प्रिया सिमी को अपने पास बुलाएगी तो सिमी आकर प्रिया को हग कर लेगी। ये देखकर प्रिया सिमी से काफी ज्यादा सॉफ्टली बात करेगी, लेकिन वहाँ पर उसकी डायरी में इतने सारे रिमार्क्स देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो उससे पूछेगी कि इन रिमार्क्स को किसने चेक किया है। सिमी विधि के बारे में बता देगी और यहाँ पर प्रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो सिमी से कहेगी कि क्यों ना वो विधि को ही अपनी मम्मा बना ले। सिमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और वो विधि को कॉल करने ही वाली होगी तो यहाँ पर फिर से प्रिया देख लेगी और इस बार वो सिमी से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी। सिमी प्रिया को बहुत ही ज्यादा सॉरी बोलेगी, लेकिन प्रिया सिमी की एक भी बात नहीं सुनेगी। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।